हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हनुमान सिविलिया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट में स्वागत है। और यहां पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में। काफी हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि कोई इंश्योरेंस से संबंधित वीडियो बनाइए, तो हम एक इंश्योरेंस से संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में आपको इस जो टॉप इंश्योरेंस प्लान चल रहा है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि आप इस छोटी सी इन्वेस्ट के माध्यम से यहां पर बड़ा मुनाफा ले सकते हैं। तो कैसे क्या रहेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी और कैसे क्या प्लान रहेगा, इसमें कितनी एज होनी चाहिए, सब कुछ जानकारी आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये HDFC लाइफ सरल जीवन बीमा पॉलिसी है। इसके अंदर आप यानी एक लचीली और प्रीमियम भुगतान है और राइडर्स के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा है इसके अंदर, और आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी अनुपस्थिति यानी आपकी उपस्थिति नहीं हो तो भी आपके परिवार को यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्लान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको कोई भी अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी, या कोई भी समस्या आती है, आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस PDF का लिंक है, ये एक PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। तो यहां पर आपको देखिए इसमें प्रवेश की जो तिथि है, प्रवेश की जो उम्र है वो 18 साल कैंडिडेट की होनी चाहिए और अधिकतम 65 साल तक। और इसमें जो लाभ है वो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आप जो भुगतान है वो आप इसमें रेगुलर भी कर सकते हो और सिंगल भी पे कर सकते हो, लिमिटेड भी पे कर सकते हो। इसमें अलग अलग दिया हुआ है, आप इसमें जानकारी ले सकते हो। और अभी मैं आपको जो मोटी मोटी जानकारी है वो बता देता हूँ कि सिंगल पे और रेगुलर पे क्या होता है। सिंगल पे रेगुलर पे ये 5 साल से, यानी आप एक साथ जो सिंगल पे है वो एक साथ आपको प्रीमियम करना होता है 5 साल का, और जो 5 पे है उसमें 6 साल से या 40 साल से अधिकतम, और जो 10 पे है उसमें 11 साल अधिकतम। ये देखिए इसमें अलग अलग अमाउंट दे रखा है। आप रेगुलर पे करना चाहिए तो रेगुलर में आपको मासिक है, मासिक जो आपकी किस्त आएगी वो 250 रुपए की आएगी, और वार्षिक 2454 रुपए की, और अधवार्षिक 1252 रुपए की, और मासिक 215 रुपए की। तो इस प्रकार से आप छोटी सी इन्वेस्ट के माध्यम से बड़ा मुनाफा ले सकते हैं। पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने का कोई लाभ दे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बीमा पॉलिसी है वो जो इसमें देखिए वार्षिक प्रीमियम 10 गुना या मृत्यु तिथि पर भुगतान किए गए सभी प्रीमियम का 105% और मृत्यु होने के निश्चित ही गई पूर्ण राशि का भुगतान, और एकल प्रीमियम पॉलिसी के लिए दुर्घटना के मामले में मृत्यु और बीमित राशि के बराबर में इनमें से जो अधिक है। मतलब कहने का साफ साफ मतलब है कि आप इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हो। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, वहां से आप जानकारी ले सकते हो। और भी जो पॉलिसियां होंगी अच्छी से अच्छी पॉलिसी होगी उनके बारे में आपको वीडियो लाया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए वार्षिक जो प्रीमियम है 10 गुना है, मृत्यु की तारीख का भुगतान की गई सभी 105% और मृत्यु का आश्वासन दी गई पूर्व राशि का भुगतान। इसमें यह है, देखो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। श्री बंसल के एक 35 वर्षीय धूम्रपान न करने वाले, यानी श्री बंसल है वो 35 वर्षीय धूम्रपान न करने वाले सज्जन है। HDFC लाइफ सरल बीमा जीवन बीमा जिसकी प्रीमियम भुगतान अवधि 20 वर्ष है और वार्षिक 5,500 प्रीमियम का भुगतान करके करों को छोड़कर 10 लाख की बीमित राशि खरीदते हैं। श्री बंसल का 15वें पॉलिसी वर्ष में निधन हो गया, ठीक है, उनके नामित व्यक्ति को 10 लाख का एकमुश्त लाभ प्राप्त होगा। देखिए 15 किस्त उन्होंने भरी और उनका निधन हो गया तो उनके नामित व्यक्ति को 10 लाख का एकमुश्त लाभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये पॉलिसी है। सी प्रतीक्षा अवधि, इसमें जोखिम की शुरुआत 45 दिन पॉलिसी रिवाइलल के मामले में प्रतीक्षा अवधि को लागू नहीं होगी। मृत्यु पर आश्वासन दी गई पूर्ण राशि का भुगतान मूल बीमित राशि के बराबर होगा। तो इसमें अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो, और छूट का प्रतिरोध समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार है। अब इसमें आपको एक नंबर भी दिया गया है जो आप कॉन्टेक्ट करके इनके पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। तो हम अनुशंसा करते हैं कि आपके उत्पाद और विवरण अनुकूलित लाभ चित्रों को पढ़े और समझे, योजना क्या है, ये कैसे काम करती है, आपके द्वारा खरीदे जाने वाले में शामिल जोखिम क्या है। तो ये सब कुछ जानकारी आपको एक PDF के माध्यम से मिल जाएगी, इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक HDFC लाइफ सरल जीवन बीमा पॉलिसी है, इसके बारे में मैंने आपको जो मोटा मोटी जानकारी है वो आपको बता दी है, उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको इससे
और भी बढ़िया बड़ी पॉलिसी जो देखी जाएगी और उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और उसके माध्यम से आप अच्छे खासे अपने नजदीकी बैंक या फिर जो भी पॉलिसी होती है उनके जो ऑफिस होते हैं उनमें जाकर आप संपर्क कर सकते हो और वहां से आप पॉलिसी ले सकते हो। तो मिलते हैं कॉर्पोरेट यूनियन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो मिलते हैं कॉर्पोरेट यूनियन में। जय हिंद, जय भारत।